नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वूलन का नया डिज़ाइन लेके आ रही हूँ, जो देखनेंगे तो लगेगा तो बहुत हार्ड है, लेकिन इसे बनाना बहुत ही आसान है अगर कुछ स्टेप आप फॉलो करते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम चैन बना लेंगे और चैन बनाने के बाद हर चैन में एक एक लॉन्ग बना लेंगे। अगर आपको ये नहीं पता कि कैसे चैन बना के इस पर लॉन्ग बनाना है, तो मैंने इस पर भी एक वीडियो बना रखा है और इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। तो अब आगे बता रही हूँ कि क्या करना है आपको। यहाँ पर फिर से हम दो चैन बनाएंगे और दो चैन बनाने के बाद जो मेरा यहाँ पहला लॉन्ग है उसमें हम एक लॉन्ग बनाएंगे और एक लॉन्ग बनाने के बाद हम यहाँ पे हर एक चैन में एक एक लॉन्ग बनाएंगे। इस तरह से हमें यहाँ पे पांच लॉन्ग बनाना है आप लोगों को। और जब पांच लॉन्ग यहाँ पे पूरा हो जाए, देखिए पांच लॉन्ग पूरा होने के बाद यहाँ पे दो चैन जब बन जाए तो यहाँ पे हम एक दो तीन चैन छोड़ के चौथे चैन में हमें तीन, एक ही चैन में हमें यहाँ पे तीन लॉन्ग बनाना है और तीन लॉन्ग जब हो जाए तो आप को यहाँ पे फिर से यहाँ दो चैन बनाएंगे और फिर इसी जगह में जहाँ मैंने पहले तीन चैन बनाया था वहीं पे फिर से हमें तीन लॉन्ग बनाना है। और तीन लॉन्ग के बाद हमें यहाँ पे दो चैन और दो चैन बनाने के बाद हम यहाँ पे तीन चैन छोड़ के चौथे चैन में हम यहाँ पे लॉन्ग बनाएंगे। और यहाँ पे अब हम उसी सेम पैटर्न को जो मैंने शुरू में बताया था, पांच लॉन्ग दो चैन और तीसरे और तीन चैन छोड़ के चौथे चैन में हमें यहाँ पे तीन लॉन्ग बनाना है, फिर दो चैन और तीन लॉन्ग, इसी पैटर्न को हम इस पूरे राउंड में दोहराएंगे। यहाँ पे जैसे हमें हर चैन में पांच लॉन्ग बनाना है। और इसी तरह इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब आगे आपको क्या करना है मैं बता रही हूँ। इसके बाद यहाँ पे हम यहाँ दो चैन लेंगे और दो चैन लेने के बाद यहाँ हम हर एक चैन में एक एक लॉन्ग बनाएंगे। यहाँ पे सेम उसी तरह जैसे मैंने नीचे बनाया था, यहाँ पांच चैन में हमें पांच लॉन्ग बनाना है। और जब हमारा पांच लॉन्ग बन जाए तो उसके बाद क्या करना मैं आगे बताती हूँ। फिर हम यहाँ पे इस तरह से दो चैन लेंगे और दो चैन लेने के बाद हम पहले जो मैंने यहाँ पे तीन लॉन्ग दो चैन और तीन लॉन्ग बनाया था सेम इस पैटर्न को हम यहाँ पे दोहराएंगे। फिर से हमें यहाँ पे तीन लॉन्ग बनाएंगे और तीन लॉन्ग बनाने के बाद हम दो चैन लेंगे, दो चैन लेने के बाद फिर से हम यहाँ पे तीन लॉन्ग बनाएंगे और उसके बाद दो चैन लेंगे और यहाँ पे हर एक चैन में एक एक लॉन्ग बनाएंगे, एक एक करके पांच लॉन्ग बनाएंगे। फिर से हम यही सेम पैटर्न को यहाँ दोहराएंगे और इस राउंड को इसी तरह से हम
बनाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे दूसरा राउंड भी कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ पे फिर से दो चैन बनाएंगे और दो चैन बनाने के बाद हर एक चैन में एक एक लॉन्ग करके पांच लॉन्ग बनाएंगे। इस राउंड में मेरा पूरा डिज़ाइन चेंज होगा, इसे आप लोग ध्यान से देखिए। जब यहाँ पे हम पांच लॉन्ग बना लेंगे, देखिए यहाँ पांच लॉन्ग बनाने के बाद हम यहाँ पे अब सात चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात। और सात चैन बनाने के बाद जो पहले मैंने यहाँ पे जिस चैन में मैंने तीन लॉन्ग दो चैन और तीन लॉन्ग बनाया था वहाँ पे ठीक इस तरह से देखिए, यहाँ पे इस तरह से हम अपने क्रूस को घुसाते हुक बनाते हुए सिंगल क्रूसिए से यहाँ पे इस तरह से देखिए। और इसके बाद हम इसको इस तरह से घुमा देंगे और जो मैंने यहाँ पे सात चैन बनाया था बस इसमें हम अब एक एक करके यहाँ पे हम एक एक करके सात लॉन्ग बनाएंगे सात चैन के ऊपर, देखिए इस तरह से। और इसे हम थोड़ा सा खींच के टाइट लॉन्ग बनाएंगे ताकि वो थोड़ा सा अच्छे से सेट कर जाए इस पर, क्योंकि यहाँ पे मैं चैन में लॉन्ग नहीं बना रही हूँ, हर एक चैन पे नहीं, बस मैंने सात चैन बनाया है उसे वहाँ पे हुक बना के अटैच कर दिया। अब इस में हम एक एक करके सात लॉन्ग बनाएंगे, देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात। और सात जब लॉन्ग हो जाए तब यहाँ पे हम इस तरह से दो चैन बनाएंगे और दो चैन बनाने के बाद हम इस तरह से यहाँ पे जहाँ पे तीन लॉन्ग बनाने के बाद दो चैन बनाए थे इसमें सेम इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पे पहले तीन लॉन्ग बनाया था उसी तरह इसमें भी हम तीन लॉन्ग बनाएंगे और तीन सेम तीन लॉन्ग बनाने के बाद दो चैन और फिर से यहाँ पे आप तीन लॉन्ग बना लीजिए। और जब तीन लॉन्ग बन जाए तो फिर से हम यहाँ पे एक दो सात चैन बनाएंगे और सात चैन बनाने के बाद इस तरह से हम जहाँ पे मैंने पहले बनाया था इसे वहाँ पे फिर से ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हुक बनाएंगे। और इसके बाद फिर से हम ऐसे लॉन्ग यहाँ पे फंदा लेते हुए घूम जाएंगे और जहाँ सात चैन बनाए थे यहाँ पे हम फिर से एक एक करते हुए सात लॉन्ग बनाएंगे। इस राउंड में बस हमें यही ध्यान देना है और बाकी सब सेम पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। एक एक करके यहाँ पे हम सात लॉन्ग बनाएंगे। और जब सात लॉन्ग बन जाए तो फिर से हम दो चैन बनाएंगे और दो चैन बनाने के बाद देखिए हमारा ये यहाँ पे दो चैन बना के मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पे ये कैसे ऊपर से देखिए इस तरह से लगेगा मेरा। और जब यहाँ दो चैन हो जाएगा तो फिर से हम यहाँ पे जहाँ पे मैंने एक एक करके पांच लॉन्ग बनाया था तो इसी तरह सेम पैटर्न में हमें पांच यहाँ पे पांच चैन है और पांचों चैन में एक एक लॉन्ग बना के हमें यहाँ पे पांच लॉन्ग बनाना है। देखिए जब पांच लॉन्ग हो जाए तो हम यहाँ पे दो चैन बनाएंगे
और दो चैन बनाने के बाद, जैसा मैंने यहाँ पे सात चैन बनाने के बाद यहाँ पे इसे अटैच किया था और एक एक लॉन्ग बनाए थे, सेम इसी तरह से दो बनाने के बाद हम यहाँ पे और पांच चैन बना लेंगे, 3, 4, 5, 6, 7। और सात जब चैन हो जाए तो हम यहाँ पे देखिए एक बार फिर से देख लिए, जहाँ तीन लॉन्ग बनाए थे और फिर दो चैन, तो उसी के बीच में हमें इस तरह से हुक बनाते हुए हम यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद इस तरह से हम यहाँ पे घूम जाएंगे और घूम जाने के बाद यहाँ फंदा लेंगे और इस जहाँ सात चैन बनाए हैं वहाँ हर एक एक करके हम सात लॉन्ग बनाएंगे। यहाँ चैन के अंदर से नहीं बनाना है हमें, इस तरह से इसके नीचे से ले जाना है सात, और इसी तरह से इस राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। ये बहुत आसान है, बस एक ही बार हमें इस तरह से करना है। इस तरह से देखिए मैंने यहाँ ये लाइन कंप्लीट कर लिया और इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। और इसके बाद फिर से हम यहाँ पे दो चैन बनाएंगे और एक एक चैन में एक एक लॉन्ग बनाएंगे पांच बार, जो मैंने पहले यहाँ पे नीचे बनाया था सेम इसी पैटर्न को अभी आपको बनाना है। एक एक चैन में यहाँ पे एक एक लॉन्ग बनाएंगे, और फिर यहाँ पे दो चैन और दो चैन बनाने के बाद हम इसमें जहाँ तीन लॉन्ग और दो चैन बनाए थे इसके बीच में हम यहाँ से फिर इसी सेम इसी तरह से तीन लॉन्ग दो चैन और फिर तीन लॉन्ग बनाएंगे। सेम पैटर्न को हम इस राउंड में फॉलो करेंगे। और जब हम देखें इसी तरह से फिर हम जब यहाँ पे आएंगे इस चैन में हम एक लॉन्ग बनाएंगे और आपको भी इसी पैटर्न से इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। और इसी तरह मैंने ये लाइन भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पे फिर से इसी तरह हर चैन में एक एक लॉन्ग बनाएंगे। आपको अब इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम मेरा एक बार सिंपल ये राउंड हम कंप्लीट कर लेते हैं लाइन, तो दूसरे बार इस बार जब हम आएंगे तो मेरा अब यहाँ पे ये डिज़ाइन बनेगा। एक बार इसी तरह सिंपल से पांच लॉन्ग दो चैन तीन लॉन्ग दो चैन तीन लॉन्ग और फिर दो चैन और पांच लॉन्ग करके बनेगा। और इसके बाद जब हम आएंगे तो अभी इस राउंड में हमें सेम इस डिज़ाइन को बनाना है। एक बार सिंपल बनेगा और दूसरे बार जब हम आएंगे यहाँ पे तो अभी हमें इस डिज़ाइन को यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे सात चैन लेके बनाया था वही बनाना, बस यही पैटर्न है इस डिज़ाइन में। एक बार सिंपल और एक बार हम इस तरह से सात चैन में सात लॉन्ग लेके डिज़ाइन बनाएंगे। बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक बार सिंपल बना लिया है तो अब यहाँ पे हमें इस तरह से जब मेरा पांच लॉन्ग हो जाए पांच चैन में तो हम यहाँ पे देखिए सात चैन बनाएंगे, सात। और सात चैन बनाने के बाद हम पहले मैंने यहाँ पे बनाया था, अब मैं इसके ठीक ऊपर जो दो चैन बनाए थे पहले वहाँ पे आपको इस तरह से हुक बना के सिंगल क्रोशिया बनाना। उसके बाद हमें आप इस तरह से आप घुमा लेंगी और फिर इस तरह से एक एक करके
आपको यहाँ पे 7 लॉन्ग बनाना है। और सेम फिर हम 7 लॉन्ग बना लेंगे और 7 लॉन्ग बना के हम इसी तरह इस पैटर्न को फॉलो करते हुए ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। 7 लॉन्ग बनाने के बाद यहाँ पे हम 2 चैन लेंगे और 2 चैन लेने के बाद हम यहाँ पे जहाँ पे 3 लॉन्ग 2 चैन और सेम उसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे और इसी तरह हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे अपना ये पैटर्न बना लिया और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और आप इसे अपने अनुसार लंबा और चौड़ा बना सकती है जैसा आपको चाहिए। देखा आपने इसे बनाना कितना ही आसान है।